हाउ टू ग्रो योर प्रैक्टिस, अपनी प्रैक्टिस को कैसे ग्रो करें। एक्चुअली मैं आज आप लोग के साथ में डिस्कशन करने वाला हूं, हु इज अ डॉक्टर? कैन एनीबॉडी से मी हु इज अ डॉक्टर? बता सकता है डॉक्टर कौन है? मैं हूं। ना नहीं बोले आगे, ठीक है, फाइन। हु इज अ डॉक्टर, ये बड़ा क्वेश्चन है, डॉक्टर को भी क्वेश्चन है। अगर मैं डॉक्टर, मैं डॉक्टर फ्रेटर्निटी के बारे में बात करूं, किसी डॉक्टर ने आज तक मेरा इलाज ही नहीं किया। रीजन क्या है? जैसे रोगी ने बताया कि मुझे डर लगता था, लेकिन मैं डॉक्टर के क्लिनिक में जाता था, मेरा बुखार ठीक हो जाता था, ठीक हो जाता था कि मैं यहां आ गया हूं ना, अब मेरा इलाज हो जाएगा। और फिर डॉक्टर कंफ्यूज है, बुखार तो है नहीं, क्या दवाई दूं तुझे मैं। और मेरा सबकॉन्शियस माइंड इतना स्ट्रॉन्ग था कि डॉक्टर के पास जाता था वैसे मैं ठीक हो जाता था। अब इतनी अच्छी कम्युनिटी है यहां पे, लेकिन उसका प्रॉब्लम क्या है पता है? वेदर डॉक्टर इज प्रोफेशनल और एंटरप्रेन्योर, ये बड़ा मसला है, यही पे गड़बड़ हो जाती है। वेदर द डॉक्टर इज अ प्रोफेशनल और एंटरप्रेन्योर, क्योंकि मैं देखा डॉक्टर कभी एडवर्टाइज नहीं कर सकता, एथिक्स के खिलाफ है। Am I right or wrong? डॉक्टर कभी बोल नहीं सकता कि मैं अच्छा डॉक्टर हूं, मेरे पास इलाज के लिए आओ। कैसा डॉक्टर है यार, हमारी बीमारी का इंतजार कर रहा है? दिस इज द प्रैक्टिकल थिंग्स, बिकॉज अ डॉक्टर इज प्रोफेशनल और एंटरप्रेन्योर, यही पता नहीं है डॉक्टर को कि एम आई अ प्रोफेशनल और एम आई एन एंटरप्रेन्योर, यानी जो दूसरा एंटरप्रेन्योर कर रहा है वैसे मैं कर सकता हूं कि नहीं कर सकता हूं। नेक्स्ट, ये हम फास्ट चले जाएंगे। दिस आर द 10 चैलेंजेस फेस्ड बाय डॉक्टर, हर डॉक्टर ये 10 चैलेंजेस फेस करता है। फर्स्ट, पुअर इंफ्रास्ट्रक्चर। सेकेंड, नेक्स्ट, डेफिशिएंट मैन पावर। थर्ड, अनमैनेजेबल पेशेंट लोड। फोर्थ, क्वालिटी ऑफ सर्विस। फिफ्थ, हाई आउट ऑफ पॉकेट एक्सपेंसेस। सिक्स, फंडिंग। सेवन, प्रायर ऑथराइजेशन। एट, इलेक्ट्रॉनिक हेल्थ रिकॉर्ड। नाइन, एथिक्स। एंड 10, ब्रांड। दीज आर द 10 चैलेंजेस फेस्ड बाय एवरी डॉक्टर। अगर मेरे पास में समय होता, एक्चुअली बहुत सारी फार्मा कंपनी मुझे इसी के लिए बुलाती है, एंड आई टॉक अबाउट दिस 10 चैलेंजेस, बट मुझे मालूम है कि हमारे पास में समय का अभाव है, इसलिए इस पूरे टॉपिक को मैंने अपने यूट्यूब चैनल पर डाल दिया है, आप ये देख सकते हैं। देखोगे नहीं? Yes, next. मेरा YouTube चैनल है इरफान कौचाली, this is my channel. If you want, you can write it down. इरफान कौचाली is my channel. उसमें पीछे 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 next. Check out 10 challenges doctor face. हर डॉक्टर ये 10 challenges face करता है। अगर आप लोगों ने देखा कि ये challenges से कैसे overcome किया जाए, कैसे हम इस challenges से बाहर निकल सकते, I am telling you, practice यहाँ से यहाँ चली जाएगी। Next. Now, how to become an entrepreneur? Entrepreneur कैसे बने? अब ये सवाल आता है कि yes, I'm a professional, I'm a thorough professional, I know my qualification, I know my duties, I know my roles, I know my responsibilities, I know my everything. How to treat the patient? I know everything. Now, I want to learn how to be an entrepreneur. मैं professional हूँ, मैं बहुत अच्छा professional हूँ, मेरे पास कोई भी patient आता है, अच्छा treat होके जाता है, दुआएं देके जाता है, पैसे देके जाता है, लेकिन क्या मैं वो जिंदगी जी रहा हूँ जो मुझे जीना है? क्या मैं वहां पे हूँ जो मैं सोचता हूँ? क्या डोंट फील बैड, मतलब मैं हर इसमें एग्जांपल देता हूं, आई जस्ट आस्क्ड वन चाय वाला, व्हाट इज योर डेली इनकम? कैन इमेजिन, ही इज अर्निंग 3000 रुपीस पर डे। ही इज अर्निंग 3000 रुपीस पर डे, फाइन, बिकॉज़ ही इज एन एंटरप्रेन्योर। अगर एक प्रोफेशनल एंटरप्रेन्योर बन जाएगा तो वो कहां पहुंचेगा? अगर एक प्रोफेशनल एंटरप्रेन्योर बनेगा तो कहां पहुंचेगा? उसके लिए हमको क्या करना है? हमें 3 स्किल्स को सीखना है। सीखना है 3 स्किल्स? अरे आवाज ही नहीं आ रही है। डॉक्टर्स यस बोल सकते हैं हम ना अपनी, अगर मैं किसी को यहां पे बोलूं, मेरे प्रोग्राम्स होते हैं, बड़े बड़े प्रोग्राम्स होते हैं, मैं लोगों को बोलूं चलो खेलते हैं, तो डॉक्टर्स उठते नहीं कि नहीं यार, डॉक्टर खेलते हुए बेचारा डॉक्टर उमर खेल रहा था, बोलता है बाहर क्या बोलेंगे कि डॉक्टर क्या कर रहा है अंदर। अरे डॉक्टर के अंदर भी एक बच्चा होता है, उसको बाहर निकालो, आज यहां पे प्रोग्राम में आए। सो यू हैव टू लर्न दिस 3 स्किल्स। फर्स्ट, वेरी इंपॉर्टेंट, ब्रांडिंग। पहली इंपॉर्टेंट क्या है? ब्रांडिंग। मैंने 7 साल पहले अपनी कोचिंग क्लासेस को बंद करके ब्रांडिंग, सॉरी, मैंने अपनी कंपनी खोला जिसका नाम है उद्योग गुरु ट्रेनिंग एंड कंसल्टेंसी, और 7 साल से अब तक मैं ब्रांडिंग कर रहा हूं, जिसका फायदा मुझे पिछले 2-3 सालों से हो रहा है।
बहुत से डॉक्टर्स लोग मैंने देखा, बहुत सारे डॉक्टर्स लोग, सर आर यू ऑन सोशल मीडिया? हाँ मेरा फेसबुक पे अकाउंट है. तो उससे ब्रांडिंग का क्या लेना देना? कुछ लेना देना नहीं. ब्रांडिंग ऐसा होना चाहिए कि अगर आप गूगल पे इरफान कौचाली डालो तो 21 पेज 20 पेज गूगल आपके बारे में बात करना चाहिए. दैट इज कॉल्ड ब्रांडिंग. और ये मेहनत होती है. बहुत प्यारा गाना पेशेंट बन रहा होगा सर, प्लीज ये रिंगटोन मत रखना. ठीक है. सो सबसे पहला स्किल है ब्रांडिंग. ब्रांडिंग जिस डॉक्टर ने किया, बड़े बड़े मैं देख रहा हूं ऑर्गेनाइजेशन आज मार्केट में आ रहे, दे आर ओनली फोकसिंग इन टू ब्रांडिंग. वो सिर्फ अपना ब्रांड कर रहे हैं. और ब्रांडिंग कैसे किया जाए? सेकेंड स्किल इज मार्केटिंग, हाउ टू मार्केट यूर सेल्फ. एंड द थर्ड एंड इंपॉर्टेंट स्किल इज सेल्स. दीज आर द थ्री स्किल्स दैट द डॉक्टर्स और प्रोफेशनल डजंट नो अबाउट देम. इनके बारे में इनको पता ही नहीं. सीखना है तीनों स्किल्स, बाद में बताएंगे क्योंकि 5 मिनट में खत्म करना है. आज तो बस बता नहीं पाऊंगा. आई हैव अ शॉर्ट ऑफ टाइम, मेरे पास कुछ समय है. ठीक है, मुझे पता है. नेक्स्ट, नाउ व्हाट इज ब्रांडिंग एंड व्हाट आर द बेनिफिट्स. ब्रांडिंग क्या होता है और उसके फायदे क्या है, ये समझना बहुत जरूरी है. और आज तक आप जो काम कर रहे थे वो एक्चुअली काम है या नहीं उसको समझना है. नेक्स्ट, व्हाट यू आर ब्रांडिंग बताता है कि आप कौन हो. आई एम अ बिजनेस कोच, आई एम सेल्स मैन, आई एम इंटरनेशनल मोटिवेशनल स्पीकर. बच्ची जाए घर खड़ी है, 6 महीना का पहले आप उसको देखते हैं, शी कांट एबल टू स्पीक अप. एक मुस्लिम फैमिली ग्राउंड बैकग्राउंड से ना, शी कोई भी उसको स्टेज दे दो, शी कैन डू. सो यू हैव टू लर्न व्हाट यू आर. सेकंड, हाउ यू आर डिफरेंट फ्रॉम अदर्स, दूसरों से आप अलग कैसे हो. कोई भी ये पूछना चाहिए, व्हाई डॉक्टर मैं आपके पास क्यों आऊं, व्हाई यू आर डिफरेंट फ्रॉम अदर्स, आप अदर्स से क्यों डिफरेंट हो. आप एलोपैथी पे थोड़ा कम रखते हो, आप आयुर्वेदिक थोड़ा ज्यादा रखते हो, आप ये करते हो, आप वो करते हो, आप पेशेंट को कैसे ट्रीट करते हो, साइकोलॉजिकल कितना ट्रीट करते हो, बहुत इंपॉर्टेंट चीज है. नेक्स्ट, पीपल शुड नो यू, लोगों को आपके बारे में पता होना चाहिए. दोस्तों पेप्सी और कोको कोला इतनी बड़ी कंपनी है, इतनी बड़ी कंपनी है, देन टू बी दे आर स्पेंडिंग थाउजेंड्स एंड थाउजेंड्स ऑफ डॉलर्स, लैक्स एंड लैक्स ऑफ डॉलर्स पर डे, जस्ट बिकॉज लोग उनको क्या रखे, याद रखे. सुबह अगर आप पेप्सी के डायट खाने हो, लेकिन सुबह से आप शाम तक कोको कोला डायट देख रहे हो, आप दुकान पे जाओगे और बोलोगे कोको कोला दो. इतना शॉर्ट मेमोरी है हमारा, वी डोंट रिकॉग्नाइज, हम ध्यान भी नहीं रखते, हम भूल जाते चीजों को. नेक्स्ट, द मेन बेनिफिट इज फॉर ब्रांडिंग इज यू बिकम अ ब्रांड. अरे आपको पता नहीं आपके नाम के आगे डॉक्टर है ना, लोग आपको किस एंगल से देखते हैं. कोई मुझे बोलता है डॉक्टर उस्मान, तो मेरे को उनको देखने का नजरिया ही बदल जाता है. डॉक्टर दिस टाइटल, पीपल ट्रस्ट यू. और इसी ब्रांड का लोग मतलब बेनिफिट ही नहीं उठा पाते खुद के लिए, दूसरों को देते हैं लेकिन खुद बेनिफिट नहीं उठा पाते. नेक्स्ट, आपका एरिया बढ़ेगा, ये ध्यान में रखिए. एक्चुअली क्या हो गया मालूम है, डॉक्टर आज भी वही ओल्ड प्रैक्टिस कर रहे हैं, एक गली में बैठे हुए हैं, एक 1000 लोगों का घर है जहां 5 से 10 डॉक्टर एक दूसरे के साथ में फाइट कर रहे हैं, अपना एरिया को लिमिटेड किया हुआ है. नेक्स्ट, यू कैन टारगेट वर्ल्ड वाइड. कभी सोचा है वर्ल्ड वाइड जाने के लिए? किसी डॉक्टर से पूछता हूं, कभी सोचा है कहीं बाहर जाने का? बंद कर दू, हो गया बोल. कभी सोचा है कि मेरा प्रैक्टिस ओमान में हो, कभी सोचा है मेरा प्रैक्टिस दुबई में हो? मेरे ऐसे कितने क्लाइंट्स हैं, डॉक्टर्स क्लाइंट्स, who are taking personal coaching from me. They are sitting, क्लिनिक नहीं जा रहे हैं, but they are practicing to the international patients. They are counseling the patients. अरे आप इंडिया के डॉक्टर हो और आप मुंबई के डॉक्टर्स हो, आपका कोई हाथ नहीं पकड़ सकता, क्योंकि इतनी बीमारियों को आप ट्रीट कर चुके हो ना, यू हैव सच एन गुड एक्सपीरियंस कि किसी की नब्ज बिना पकड़े बता सकते हो उनके फेशियल एक्सप्रेशन से, उनके मुंह को देखे कि भाई तेरे को ये बुखार हो गया है, तेरे को ये मेडिसिन लगेगा. जिनको कुछ नहीं आता है वो लोग इंटरनेशनल लेवल पे बैठ के, अरे सर फिर मैं कैसे जाऊं इंटरनेशनल लेवल पे, यही तो बोला ब्रांडिंग. व्हेन यू विल डू ब्रांडिंग, जब आप ब्रांडिंग करोगे तभी लोग आपको रिकॉग्नाइज करेंगे इंटरनेशनल लेवल पे. पहचान होनी है इंटरनेशनल लेवल पे अपनी खुद की. यस, फाइन. और उसके लिए हमने एक बिजनेस ग्रुप क्रिएट किया है, क्या इसका पार्ट बनना चाहेंगे आप लोग?
Yes. क्या है आगे मैं एक्सप्लेन करता हूं. We are going to take care of your business. Next. Learn with Udyog Guru Training and Consulting about branding, marketing and sales. यानी खुद का कैसे ब्रांड बनाए. लोगों को नहीं पता फेसबुक पे आज भी पेज है, लोगों को नहीं पता इंस्टाग्राम क्या देता है, लोगों को नहीं पता कि यूट्यूब में आज आपने चैनल क्रिएट किया, 3 साल के बाद में आपकी खुद की पैसिव इनकम स्टार्ट होगी. लोगों को पता ही नहीं है सारी की सारी चीजें. सिर्फ दिन में आधा घंटा देना है, आधा घंटा की सोशल ब्रांडिंग के लिए एक हाफ एन आवर दीजिए, देन देखिए आने वाले 3-4 साल में पूरा पिक्चर चेंज होने वाला है. अगर नहीं किए दोस्तों ना, तो 3-4 साल के बाद में पिक्चर और डेंजर होने वाला है. दूरदर्शन कितना बड़ा नाम था मार्केट से बाहर, नोकिया कितना बड़ा नाम था मार्केट से बाहर, ईरानी रेस्टोरेंट कितना बड़ा नाम था मार्केट से बाहर, कोडैक फिल्म कितना बड़ा था मार्केट से बाहर. देख उन्होंने अपने आप को क्या नहीं किया, अडैप्ट नहीं किया, चेंज नहीं किया सिचुएशन के हिसाब से. इसलिए डॉक्टर्स मैं बोलता हूं चेंज योर सेल्फ नाउ. इफ यू आर नॉट गोइंग टू चेंज योर सेल्फ टाइम विल चेंज यू. वी आर अश्योरिंग यू दैट योर प्रैक्टिस विल ग्रो. आई एम अश्योरिंग यू कि आपका प्रैक्टिस जो आज कर रहे हो उसका 10 गुना हो जाएगा इंशाल्लाह. Definitely. जो आज आप प्रैक्टिस कर रहे हो ना इसका 10 times होगा. बट बीज बोना पड़ेगा, अंकुर फूटेगा, पौधा आएगा, पेड़ बनेगा, फूल आएंगे, फल आएंगे. इट टेक्स टाइम, मेहनत करनी पड़ती है. इमीडिएटली जो चीज होती है उसको जादू मिराकल बोलती है. वो होने वाला नहीं है, वो किताबों में अच्छा लगता है या जादू की किताब है उसमें अच्छा लगता है. बट प्रैक्टिकली मेहनत ही आपको आगे लेके जा सकती है. देयर इज नो सब्स्टिट्यूट फॉर हार्डवर्क. करना पड़ेगा आपको. You will work on passive income, that is, खुद का YouTube channel कैसा खोले, blogging कैसे करे, books कैसे लिखे खुद की, और बहुत सारी चीजें. खाली doctor नाम आपका होगा ना, believe me. तो दोस्तों बहुत important चीज है. We are going to work on your passive income, that is, खुद का YouTube channel कैसे खोले, blogging कैसे करे, किताबें कैसे लिखे. हमारा group है, मैं आपको एक मोबाइल नंबर दूंगा, उसके ऊपर सिर्फ आपको बोलना है आपका डॉक्टर मैं इस एरिया से हूं, मैं उसको उस ग्रुप पे डाल दूंगा, उस ग्रुप में हमारे. और फिर हर हफ्ते एक आधा घंटा दोपहर के टाइम पे 2-3 बजे सबसे पूछूंगा कौन सा प्रेफरेबल टाइम होगा. हाफ एन आवर है ना, अभी से सीखना शुरू करो. मैं कहता हूं कि 3-4 महीने में इतना जबरदस्त हो जाएगा कि आप अपने एरिया में बैठे बैठे फॉरेन में प्रैक्टिस करोगे. रिजल्ट क्या होगा उससे, डॉक्टर्स को सॉल्यूशन मिलेगा. सेकेंड, सोशल मीडिया आपका स्ट्रॉन्ग होगा, पर्सनल ब्रांडिंग होगी आपकी, और अपना पेशेंट का फुटफॉल कैसे बढ़े वो वहां पे बताया जाएगा. फॉर यू ऑल द जीपीज, होप आप सभी लोग इसका बहुत अच्छे तरीके से उठाएंगे फायदा. कनेक्ट yes. कैसे हो नेक्स्ट कनेक्ट. अरे नहीं रुको ना 2 सेकेंड, भगा भागो यार. दिस इज द नंबर वेर यू हैव टू मैसेज. This is the number 9324039740. You have to message your name and doctor. My area of practice number डालने की जरूरत नहीं क्योंकि already message आया. आपको group में add किया जाएगा जहां पे एक general practitioner अपनी practice को कैसे बढ़ा सकता है. और आपने बहुत ही सबर के साथ में भूख को दबाते हुए मुझे सुना. Thank you so much. God bless you.